एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 7 मीटर हो तो 2 चक्कर में पहिए कितनी दूरी तय करेगी। ये क्वेश्चन 2023 में मैट्रिक के एग्जाम में पूछा गया है और इस तरह का क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है। तो देखते हैं कि पहिए 2 चक्कर में कितनी दूरी तय करती है। तो सबसे पहले पहिए 1 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी उसे निकालना होगा। तो मान लीजिए कि पहिए यहां से स्टार्ट होती है और यहां से चलकर फिर पुनः वो यहां पे रुक जाती है, तो 1 चक्कर हुआ। तो 1 चक्कर में पहिए कितनी दूरी तय करती है सबसे पहले हम लोग उसे निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे 1 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर। तो 1 चक्कर में तय की गई दूरी जो वृत्त की परिधि होती है वही 1 चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर होती है। तो यहां पे होगा 2πr, वृत्त की परिधि के बराबर होता है 1 चक्कर में तय की गई दूरी। तो 1 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 2πr। तो यहां होगा 2 × π का मान होता है 22/7 × आर का मान दिया हुआ है 7 मीटर, तो यहां पे रख देंगे 7 मीटर। 7 7 कट गया तो 22 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 44 मीटर। तो 1 चक्कर में जब पहिया यहां से स्टार्ट होती है और यहां से चलकर पुनः यहां पे रुकती है तो 1 चक्कर में पहिया जो दूरी तय करती है वो 44 मीटर। तो यहां पे दिया हुआ है कि 2 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगी। तो यहां पे लिखेंगे 2 चक्कर में पहिए के द्वारा तय की गई दूरी बराबर। तो 1 चक्कर में 44 मीटर, तो 2 चक्कर में हो जाएगा 2 × 44, तो कुल यहां पे हो जाएगा 28 मीटर। इस तरह से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।